सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी यंग एजर और इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप भी सोचते होंगे कि छोटी सी अमाउंट के लिए छोटी सी अमाउंट लगाएं और वो कई गुना हो जाए। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, और हम आज एक जानने जा रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान के बारे में। हम इसकी ग्रोथ रेट देख लेते हैं। एक साल में इसने दिया है 107.94%, जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न है, और 3 साल का एवरेज रिटर्न इसका 34% के आसपास है। मतलब कि हर साल 3 सालों में इसने 34% का रिटर्न दिया है एवरेज, और 5 साल में एवरेज रिटर्न इसका 28% है, और लाइफ टाइम इसका एवरेज रिटर्न 26.5% है, जो कि बहुत ज़्यादा है और म्यूचुअल फंड से। तो फ्रेंड्स, अब हम इस म्यूचुअल फंड के बारे में देख लेते हैं। ये 5 स्टार रेटिंग है, जो कि इसको बहुत अच्छा बनाती है, और इसमें 3,494 करोड़ का पब्लिक का पैसा भी लगा है। और इसमें होल्डिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स, हम कौन कौन सी कितनी का 41 कंपनियों की इसमें होल्डिंग है। इन्फोसिस लिमिटेड की 24%, ये IT कंपनी है। SCL टेक्नोलॉजी, ये भी IT कंपनी है, इसमें IT इसमें 7.9% है। टेक महिंद्रा IT कंपनी है, इसमें भी 7% के आसपास है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में इसकी 7% के आसपास है हिस्सेदारी। और भी ये सारी IT कंपनियां ही हैं जिसमें इसके शेयर होल्डिंग है। 41 कंपनियों के इसके पास शेयर हैं, और ये आप इसकी परसेंटेज देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम जानेंगे कि ये 26% के हिसाब से अगर हम इसमें 1 टाइम लगाते हैं तो कम से कम इसमें 5,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि 5,000 रुपये हमारे कितने साल में कितना मल्टीप्लाई होते हैं, कितना गुणा हो जाएंगे, और हमें कितना रिटर्न मिलेगा। कैलकुलेटर से हम ये चेक करें विद प्रूफ। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं SIP कैलकुलेटर के पास। एक तो इसमें SIP का ऑप्शन है कि मंथली आप कितना पे कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे। 1 टाइम हमने लगाए हैं, हमने लगा दिए 5,000 रुपये। हमने मान लो कि म्यूचुअल फंड खरीदा था, और हमने कितने क्या हो गया भाई, क्यों डिलीट हो गया यार वो तो। और अब हम इसमें देख लेते हैं, अगर हम 40 साल के लिए लगा रहे हैं, अगर हम यंग एजर हैं और 40 साल के लिए लगा रहे हैं, मतलब 20 साल आपकी एज है और 60 ईयर में आप उसको निकलवाओगे, तो 40 साल आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो 26% का वो रिटर्न दे रहा था, तो 26 नहीं मानते हम, 25 मान लेते हैं कि 25 साल वो एवरेज रिटर्न देगा हर साल। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, 3,76,15,819 रुपये बनते हैं। हम मान लेते हैं कि ये 25 भी नहीं देगा, 23% दे देगा, तो 23% से इसका 1,97,32,152 रुपये बनते हैं। हम मान लेते हैं कि ये 23 भी नहीं दे सकता, तो 21% तो दे ही सकता है एटलीस्ट। अगर वो 26% एवरेज बोल रहा है तो 21% तो दे ही देगा, तो 21% के एवरेज रिटर्न से हमारा आ जाता है 1,02,42,001 रुपया, जो कि आपको करोड़पति बनाने के लिए काफ़ी है। और फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड कहीं भाग ना जाएं, तो ऐसा नहीं होता। ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी के अंडर होते हैं, और इनके पास ये देख लो 41 म्यूचुअल फंड मैंने बताए थे, 41 शेयर सॉरी बताए थे इसके पास हैं। तो एक कंपनी को अगर लॉस होता है तो बाकी 40 को तो प्रॉफिट होगा ही, अगर 5 को भी लॉस होगा तो 36 तो प्रॉफिट में रहेंगी। और ये बड़े बड़े रिसर्चर हैं, और ये अपने हिसाब से जिस कंपनी में लॉस होता है तो वहाँ से ये सही टाइम पे एग्ज़िट भी कर लेते हैं, और घबराने की बात नहीं है फ्रेंड्स। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक
इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया साथ। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप ग्रो के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि फ्री ओपनिंग है और कोई ओपनिंग चार्ज नहीं है, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। जैसे कि जीरोधा में 300 रुपये ओपनिंग चार्ज लिया जाता है, इसमें ओपनिंग चार्ज जीरो है और मेंटेनेंस चार्ज भी जीरो है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप इसमें म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, US स्टॉक मार्केट में भी इससे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नीचे एक लिंक दिया है, अगर आप उससे खोलते अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको 100 रुपये का सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलेगा, और आप अपना अकाउंट इसके साथ खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। और थैंक यू सो मच।